नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। मैं हूं आपके साथ सुमन रावत। सबसे पहले बात करते हैं फरीदाबाद की, जहां सीएम मनोहर लाल खट्टर ने फरीदाबाद की जनता को 2 करोड़ की सौगात दी है। फरीदाबाद में 115 करोड़ की लागत से राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम का जीर्णोद्धार किया जाएगा। फरीदाबाद में उद्योग मंत्री विपुल गोयल द्वारा आयोजित शंखनाद रैली में बटन दबाकर सीएम ने इसका शिलान्यास किया। सीएम के मुताबिक इसके बाद यहां पर अंतर्राष्ट्रीय मैच भी होंगे, जिससे फरीदाबाद का नाम विश्व में दोबारा से अपनी पहचान बनाएगा। इस मौके पर सीएम खट्टर द्वारा 13 एकड़ में बनी नई पुलिस लाइन का भी उद्घाटन किया गया। सीएम ने इस मौके पर हरियाणा में बीजेपी सरकार की उपलब्धियों का भी बखान किया। राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम होगा और इसका शिलान्यास किया गया है। ये स्टेडियम, इसकी कैपेसिटी 25,000 लोगों की बजाय अब 40,000 लोगों की हो जाएगी। कुल 115 करोड़ रुपए लागत से इसका नवीनीकरण किया जाएगा और इसमें ऐसी ऐसी सुविधाएं होंगी जो देश भर में शायद एक स्टेडियम बेंगलोर में है कि मान लो कभी वर्षा आ जाए तो 15-20 मिनट के अंदर अंदर उस वर्षा का पानी निकालने का भी वहाँ प्रावधान किया है, ताकि आधे घंटे में दोबारा से खेल शुरू हो जाए। और इसका 1 साल के अंदर अंदर इसका निर्माण हो जाएगा और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक स्टेडियम की जितनी सुविधाएं हैं वो इसमें सब में खड़ी की जाएंगी। तो वही कोटा में शौच करने गई एक महिला पर भालू ने हमला कर दिया। कोटा कुन्हाड़ी क्षेत्र के नांता इलाके में शौच के लिए गई महिला पर एक जंगली भालू ने अपने 2 बच्चों के साथ हमला कर दिया। घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। फिलहाल घायल महिला को कोटा के MBS अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव JP तिवारी का जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें, डुमरियागंज में राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव JP तिवारी के आगमन पर कार्यकर्ताओं और युवा नेता वासिफ फारूकी ने अपने नेता का जोरदार स्वागत किया। जब JP तिवारी से सिद्धार्थनगर जिले के दौरे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है, इसी को लेकर सभी जिलों का दौरा किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के सेवा दल के नव निर्वाचित जिला अध्यक्ष डॉक्टर आसिफ फारूकी की तारीफ की। आसिफ, हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष चुन लिए गए हैं और वो जल्दी जल्दी इनको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से पत्र प्राप्त होगा। हमने संतुति दे दी है, हमने वादा भी किया था डॉक्टर साहब को कि आने वाला दिन युवाओं के लिए है और जिस मिशन के लिए मैं दौड़ा कर रहा हूं बहराई से बलिया तक, ये दौड़ा आज जो है कार्यक्रम के तहत जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में दिया गया है, ये आज मेरा दौड़ा सिद्धार्थनगर का है। आज मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था, आज हमको उस लायक अगर कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोगों ने उस लायक समझा है तो मैं इस चीज को और आगे बढ़ाऊंगा और ईमानदारी के साथ इसका निर्वहन करूंगा और जितना हमसे हो सकेगा तन मन धन हर तरीके से कांग्रेस पार्टी को उस शीर्ष तक ले जाना चाहता हूँ जिस शीर्ष तक उसकी जरूरत है। तो वहीं जोधपुर में महारक्तदान शिविर लगाया गया, जहां लोगों ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया और रक्तदान किया। आपको बता दें कि लाल बूंद जीवनदाता सेवा समिति एवं डोनेट ब्लड सेवा लाइफ सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में 27वां विशाल रक्तदान शिविर महात्मा गांधी ब्लड बैंक जोधपुर में आयोजित किया गया। समिति के प्रदेश अध्यक्ष और सोसाइटी के अध्यक्ष कमलेश विश्नोई ने बताया कि सरकारी ब्लड बैंकों में खून की कमी को देखते हुए इस शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 60 रक्तदाताओं ने ब्लड डोनेट कर उसे जरूरतमंदों के लिए ब्लड बैंक को समर्पित किया। तो वहीं सिद्धार्थनगर में कई दिनों से आतंक मचाए रखे 2 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इन चोरों ने काफी समय से आतंक मचा रखा था।
शोहरतगढ़ पुलिस के साथ स्वाट टीम और सर्विलांस टीम ने कार्रवाई करते हुए इन चोरों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें पुलिस ने चोरों के पास से कई मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन और कारतूस बरामद किया है। मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए चोरों के अन्य साथी फरार हो गए। अभियुक्त पकड़े गए हैं सुनील और विशाल, ये दोनों तौलिहुआ कपिल वस्तु नेपाल के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 11 मोटरसाइकिल विभिन्न थानों के, जिसमें से 3 सोहरतगढ़, 2 सिद्धार्थनगर, 1 बासी मोहाना और बस्ती चिन्हट लखनऊ गोंडा जनपद के बरामद हुए। तो वहीं फरीदाबाद में प्यार में धोखा खाई एक युवती ने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली। मामला फरीदाबाद का है, जहां आत्महत्या से पहले लड़की ने अपने हाथ पर मेहंदी से सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उसने एक युवक पर पहले उसे फंसाने और फिर बदनाम करने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। क्या कर सकते हैं, क्या करें, जो मेरे बच्चे से तो होना था, तो हम क्या कर सकते हैं। जो आरोपी है, जिसकी वजह से लड़की ने सुसाइड किया है, क्या उसको सजा नहीं दिलाना चाहेंगे? उसके लिए हम बात करेंगे बाद में बात करेंगे। कभी बताया? क्योंकि वो लड़का जो है रिश्तेदारी में। अच्छा। बेटी ने आपको बताया था कुछ? बेटी ने बताया था, अभी अपन ना वही बात। आप बताइए क्या बताया था? बेटी ने बताया था कि वो सदाम को बदनाम किया, आप पापा उसको मारिए, हमारे सामने उसको मारिए, हमका दिल खुश। परिवार की कोई शिकायत नहीं है जी, ऐसे किसी लड़की से एक तरफा प्यार कर रही थी, वो लड़के ने परिवार वालों को बताया था कि मैं ऐसा प्रोग्राम नहीं करता, शादी नहीं करना चाहता, मैं अपनी लड़की को समझा बुझा। लड़की ने कहा था? हाँ, लड़की शादी करना चाहती थी। हाँ, लड़की शादी करना चाहती थी। उसने सुसाइड नोट भी लिखा अपने हाथ पे लिखा सद्दाम? नहीं नहीं, ऐसा नाम की लड़की का नाम जिक्र किया है? हाँ, जिक्र किया था उन्होंने, लेकिन वो ऐसा ऐसी कोई बात नहीं, सुसाइड नोट से संबंधित नहीं है। इसी के साथ ग्राउंड जीरो में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीसी न्यूज़।